देश में 24 घंटे में 316,000 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। भारत ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन की 1.5 करोड़ डोज बर्बाद। खराब स्थिति में रखी गई थी वैक्सीन। कोरोना के इस चलते महामारी के बीच में अस्पताल में बेड की कमी की वजह से बड़ौदा की एक मस्जिद में जहांगीरपुर मस्जिद को 50 बेड का कोविड 19 केंद्र बनाया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार को सिर्फ चुनाव की चिंता, मानव जीवन बचाने की नहीं। सोनभद्र मधुपुर परही गांव की घटना, पिता की अर्थी को कंधा देने के लिए करता रहा मिन्नत, 5 घंटे तक जमीन पर पड़ा रहा शव। नहीं लगवाएंगे इंजेक्शन, वैक्सीन लगाने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, डंडा लेकर खड़ी मिली गांव की महिलाएं। मध्य प्रदेश के सिवनी छपरा विकासखंड के गोरखपुर की घटना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सीताराम येचुरी के बड़े बेटे आशीष येचुरी का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। इस बात की जानकारी वाम नेता ने खुद ट्विटर के जरिए दी। शाहजहाँपुर यूपी के जिला अधिकारी इंद्र विकास सिंह के मुताबिक कटरा रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रक व बाइक लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिससे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बुधवार को बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में बिना मास्क के घूम रहे 57,753 लोगों से 1,19,00,000 से अधिक जुर्माना वसूल किया गया। यूपी में रेडीमेड कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग। इटावा यूपी में एक रेडीमेड कपड़ा फैक्ट्री बुधवार रात आग लग गई। पुलिस ने बताया कि सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया और फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर फंसे शख्स फैक्ट्री मालक के भाई को रस्सी से सहायता से बचाया गया। आग लगने से करीब 1,40,00,000 की संपत्ति का नुकसान हुआ।